हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इसलिए आप क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। ये कुछ साइंस के क्वेश्चन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आते हैं, टाइम को ना लॉस करते हुए अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहते हैं। और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कुछ, जैसा कि बड़ी कोशिका के बारे में पूछा है। तो कोशिका क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल, और सेल एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इसके बारे में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। तो हमारी इसका आंसर क्या है? बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका हमारी बॉडी में कुछ इस तरीके से बना होता है, देख लीजिए स्ट्रक्चर बना हुआ है। और तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या होता है? ये मतलब शरीर के सभी तंत्रों को नियंत्रण रखती है, और उसके साथ भी सारे अंगों को कार्य, जितने भी उसके कार्य होते हैं वो सारे कार्य को मिलजुल कर करती है। और जो हायर फंक्शन होते हैं, जैसे कि बातचीत करना, सोचना, बोलना, सीखना, याद करना, है ना, लिखना, ये सारे तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही हम करते हैं। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो चार तरीके से होती है, मतलब चार प्रकार से होती है। जैसे कि हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिकाएं, जिसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। एक होता है केंद्रिका तंत्रिका कोशिका, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड परिधि तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। और एक होता है स्वयं निदेशक तंत्रिका, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इस तरीके से चार टाइप्स होते हैं तंत्रिका कोशिका के, और इन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरोलॉजी संबंधित है किससे? विषाणु से। विषाणु के अध्ययन में वायरोलॉजी आते हैं। और विषाणु क्या होता है? विषाणु को आपको पता ही है कि एक प्रकार का वायरस है, जिसकी खोज इवानोवस्की ने तंबाकू की पत्ती पर इसका प्रैक्टिकल करके इसकी खोज की थी। ओके, तो चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? खून का थक्का नहीं जमता किसमें? हीमोफीलिया रोग में। जब भी आपको हीमोफीलिया रोग होगा, उसमें खून का थक्का नहीं जमेगा। अगर आपको कभी चोट लगती है, कुछ भी, अगर आपका ब्लड बह रहा है, तो वो हमेशा बहता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा, वो जमेगा नहीं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, किस लिए होता है, आपको बता दें कि जो हीमोफीलिया रोग होता है वो एक अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग क्या है? तो जेनेटिक रोग। ठीक है, और जेनेटिक अनुवांशिक रोग कैसे होते हैं ये भी आपको बता दिया जा रहा है कि यह बीमारी मतलब कुछ ऐसे होते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं। जैसा कि बात करें कि माता पिता से बच्चों तक भी ये पहुंच सकते हैं, और ये ज़्यादातर लड़कों में होते हैं। और ये कौन मतलब किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो क्या करता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इस रोग को पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात करोगे क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम आपको बताया गया है कि क्रोमोसोम एक अनुवांशिक पदार्थ है जो डीएनए के अंतर्गत आता है। आपको इसके बारे में बताया गया था अलग से वीडियो। ठीक है, क्रोमोसोम हमारे बॉडी में 46 होते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर के जो करेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। और हीमोफीलिया जो रोग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जब भी किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाएगा, उसके शरीर में हमेशा प्रोटीन की कमी होगी, और जिसे हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो जो मतलब प्रोटीन फैक्टर हीमोफीलिया रोग होता है वो टू टाइप्स होता है। ठीक है, जब भी आपको प्रोटीन फैक्टर मतलब प्रोटीन फैक्टर हो जाएगा और प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो मतलब कि जो थक्का जमा कर उसका बहना क्या करता है, उसी को रोक देता है। ठीक है, तो हीमोफीलिया टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी। इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हीमोफीलिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ओके, तो चलिए आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आँख से संबंधित है। और आँख में ट्रैकोमा और ग्लूकोमा रोग होते हैं। जैसे कि आँख हमारी काफ़ी लाल हो जाती है, काफ़ी दर्द होने लगती है, हमें कुछ धुंधलापन सा दिखने लगता है, तो ये ट्रैकोमा रोग के द्वारा होता है। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्लाज्मोड
प्लाज्मोडियम परजीवी है। क्या? मलेरिया रोग। मलेरिया रोग की परजीवी है, प्लाज्मोडियम के द्वारा ही मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया रोग के कुछ लक्षण हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि उनके कौन कौन से लक्षण हैं, ताकि अगर कभी भी अगर मलेरिया रोग होता है तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिर का दर्द होना, उल्टी होना या जी मचलाना, हाथ पैरों में काफ़ी दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, कमजोरी आना, थकान महसूस होना, शरीर में खून की कमी होना, और भी ऐसे हैं जैसे कि आँख की पुतलियों का रंग पीला होना, पसीना निकलना, फीवर आना, काफ़ी बुखार आना, फ्लू जैसे कई लक्षण सामने आना, और प्लस ठंड के साथ जोर से कपकपी होना। इतने सारे मतलब कि मलेरिया के लक्षण एंड करेक्टर्स हैं। अगर इस तरीके से आपको कभी भी होता है तो आप जरूर एक बार चेकअप कराकर पता कर सकते हैं कि आपको मलेरिया रोग तो नहीं है। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिटॉन किसका प्रतिकरण है? तो इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है क्या? मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद और भी ऐसे हैं, जैसे कि ये क्या होते हैं कि जड़ों द्वारा इसका रूपांतरण होता है। ये डायरेक्ट जड़ से ही निकलते हैं, ठीक है। इनका कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि पहले हम उनका जड़ लगाते हैं फिर पत्ती उगती, नहीं, ये ऑलरेडी जड़ के ही अंदर होते हैं और जड़ से ही डायरेक्ट निकलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? मूली है, गाजर है और शकरकंद है। ओके, तीनों बहुत फायदेमंद है आपके लिए, इसलिए खाया जरूर करिए। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं? तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आसमान में जो तारे टिमटिमाते हैं कभी कभी, जिसे कभी देखा है आपने तारे मतलब कि जलते बुझते लग रहे, आपको देखा होगा कि हमें दूर से तो ऐसे ही लग रहा है कि तारे पहले जलते हैं फिर बुझते हैं, जलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा हमें लगता है, ठीक है, कि तारे टिमटिमा रहे हैं। ओके, देखिए आपको बता दूं कि जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, कुछ तो हकीकत में बनावट ऐसी होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके पीछे हम लोग ये कहते हैं नहीं ये ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन साइंस हमारा कहता है हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है, कुछ ना कुछ तो कारण है। जैसे कि लोग कहते हैं आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला दिखाई देता है उसका भी कारण है, ठीक है। उसके में भी क्या है कि जैसे कि सूर्य के किरण मतलब कि जो हमारे इंद्र, उसमें 7 कलर होते हैं, तो उसमें से जो ब्लू कलर होता है प्रकाश के परिवर्तन के कारण काफ़ी प्रभावित हो जाता है, ठीक है। छोटे छोटे जो कण होते हैं उसमें प्रभावित हो जाते हैं, तो इस वजह से हमारा आसमान का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देने लगता है। अगर इसके बारे में आपको फुल जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपको इस पर वीडियो बनाकर बताऊंगी कि किस लिए ऐसा होता है। तो इसी तरीके से बहुत सी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिनके पीछे हमारा साइंस का हाथ है, लेकिन हम इसके बारे में जानते नहीं है। ओके, तो इसी तरीके से जो तारे का टिमटिमाने का कारण है वो प्रकाश का अपवर्तन है। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मृत मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो इसका आंसर है पूर्व आंतरिक परिवर्तन। पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण मृत मरीचिका बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कह रहा है पित्त उत्पन्न होता है कहाँ से? यकृत से। यकृत से पित्त उत्पन्न होता है, और यकृत को इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। लीवर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि अगर आपका लीवर डैमेज हो जाता है तो आपको कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस वजह से आपको बता दें कि लीवर को हमें सेफ रखने के लिए बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आज के समय में बहुत से बच्चे मतलब कि जैसे शराब पीना, गुटखा खाना, बहुत सी चीज़ें ऐसी नशीले चीज़ें खाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है और हमारे लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। और वैसे भी अब अगर बाहर की चीज़ें खाते हैं तो वैसे भी मतलब हम कितना भी चाहते हैं कि हमें ये सब चीज़ें ना हो, हम कितनी भी चीज़ें बच के खाएं, और मतलब कि पूरे रूप से हम यही चाहते हैं कि हमें कोई भी बीमारी ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम मतलब ये जान के भी खाएं कि इसको चीज़ खाने से हमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो फिर आप गलत कर रहे हो ना। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि यकृत लीवर एक ऐसा फंक्शन है हमारी बॉडी का जिसको सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो 180 से 80 डेसिबल होता है, 120 से 80। ओके, रक्त का चाप।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जैसा कि देखिए अभी हम क्वेश्चन की बात कर ही रहे थे कि समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्वेश्चन आपका आई क्या, तो जो हमारा समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रक्रियण के कारण होता है, प्रकाश के प्रक्रियण के कारण समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके कारण, अवतल लेंस के कारण, अवतल लेंस के कारण वायु का बुलबुला जल की तरीके से व्यवहार करता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है, देखिए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर जो थे वो चेचक के टीके का आविष्कार किए थे। बात करते हैं चेचक के बारे में, जैसा कि आपको पता है चेचक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं माता जी या छोटी माता, ठीक है, चेचक भी दो तरीके से होते हैं, छोटी माता होते हैं, एक बड़ी माता होते हैं, ठीक है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं गांव के लैंग्वेज में अगर बात करो तो इसे देवी जी भी बोला जाता है, बोलते हैं देवी जी निकली है या माता जी निकली है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि नाम भी कुछ हमारे भगवान के नाम से हैं, देवी जी माता जी, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इन्हें मानते भी हैं कि ये वाक्य में देवी जी हैं, ठीक है। अगर चेचक रोग निकल जाता है तो उन्हें छूना नहीं चाहिए, घर में छौंकना नहीं चाहिए। देखिए अब आपको मैं बता दूँ कि छौंकने से और हमारे बॉडी में कुछ कोई भी रोग निकलने से क्या संबंध हो सकता है, कोई संबंध नहीं हो सकता, ठीक है, इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न क्या है फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संसार में सारे लोग एजुकेशन वाले नहीं हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे लोग पढ़े लिखे हैं, हम सारे लोग को हर चीज़ समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते, लेकिन अगर हम किसी से ये कह दें जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो, जो बिल्कुल भी जानकारी ना हो, कि अगर इसे छूने से हमें कोई भी, तो इसी तरीके से अगर हमें किसी चीज़ को नाम दे दें कि ये भगवान है तो आप उसे वाकई में मानोगे, उसकी पूजा करोगे, उसकी पूरी देखभाल करोगे, है ना। लेकिन हम अगर अपनी लैंग्वेज में कह दें कि नहीं ये एक रोग है, इसको मत छोड़ो नहीं तुम्हें भी हो जाएगा, तो आप इस चीज़ को नहीं मानोगे। इस वजह से लोगों ने इसे भगवान का नाम दे दिया ताकि आप सभी मानो, जो एजुकेशन वाले हैं वो भी, जुना एजुकेशन वाले वो भी, वो सारे लोग मांगेंगे, क्योंकि चेचक ऐसी बीमारी है जो छुआछूत बीमारी से भी हो जाती है, अगर किसी का है तो आप उसको छुओगे तो आपको भी हो जाएगा, और ऐसे रोगों को गंदगी से बहुत दूर रखना पड़ता है। लेकिन अगर भगवान का नाम दे दिया जाए तो आप बहुत ही सफाई रखोगे, ये पूर्ण रूप से सभी जानते हो, ठीक है। तो देखिए कहीं ना कहीं पे जरूरी है और ये सब चीज़ की जानकारी होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे छौंकने से या किसी भी चीज़ करने से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये कि इस रोग में आपको सफाई पूर्ण रूप से करना चाहिए और एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए जिससे आपको भी ना हो सके, और उसके साथ साथ कि उस समय ना आपको तेल लगाना चाहिए ना उस पर साबुन लगाना चाहिए, वैसे भी ये सब चीज़ें अगर आप लगाते हो तो छाले के जैसे होता है, वो फूट सकता है और जब छरछराएगा तो काफ़ी फैलेगा, क्योंकि जो उसका पानी उसके अंदर होता है वो अगर एक मतलब बॉडी में फैलेगा तो वो और ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ों को सॉरी मना किया गया है। ओके तो आपको चेचक के बारे में अच्छी तरीके से बता दिया गया है, तो इसका घरेलू उपाय तो सबसे अच्छा यही है कि नीम के पानी से नहाना सबसे ज़्यादा ठीक करता है, ठीक है, इसकी लोग दवा ज़्यादातर नहीं करते, लोग यही करते हैं और करते आए भी हैं, तो सबसे अच्छा तो यही है कि ज़्यादातर नीम की पत्तियों से नहाना और अपने आप को जितना आप सफाई रखोगे, जितना आप सेफ रहोगे, ठीक है, उस समय उतने ज़्यादा जल्दी बीमारी दूर भी हो जाती है। ओके तो चलिए आते हैं आगे चीज़ में, देखिए मैंने आपको सारी क्वेश्चन पे हर एक तरीके से आपको बता दिया गया है, बहुत से रोग के बारे में बताया है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं और आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो क्वेश्चन में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन बायो या फिजिक्स या केमिस्ट्री कोई भी होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं आपको, और भी वीडियो इसी तरीके से बनाकर देते रहेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछना है साइंस से या जेएस से तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप क्या चीज़ पढ़ना चाहते हो और आपको इस वीडियो में क्या चीज़ कम समझ में आ रही है, इन सारी चीज़ों को आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देखते हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि हमारी वीडियो में क्या कमी है और बच्चों को मैं क्या चीज़ नहीं समझा पा रही हूँ। ओके तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके फ्रेंड्स थैंक यू।